पिछले कुछ अर्से से शीट मास्क जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट अब सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर कई दफ़ा जो है वो मुझे भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं डिफरेंट कंपनीज या ब्रांड्स की। उसके अंदर जो है ये शीट मास्क जो है मैंने अपनी कुछ जो अभी पीछे शॉपिंग की थी उसके अंदर मैंने ये ख़रीदे थे। इसके अंदर कुछ तो मिनीसो के हैं, मिनीसो की पैकेजिंग वगैरह काफ़ी क्यूट होती है उस हिसाब से। सो ये मिनीसो का है, और ये वाइटामिन सी फेशियल मास्क है। ये वाला उनका वी बेयर बेयर्स की जो सीरीज़ आती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर है। एंड इट्स सपोज्ड टू बी गुड फॉर डैमेज स्किन एंड पोटेंशियल लाइंस। सो जो स्किन मेच्योर होना शुरू हो जाती है ऐसे वैसे तो अगर देखा जाए, एक्चुअली 20 एज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो जो फाइन लाइंस हैं वो एक्चुअली 20 क्रॉस करते ही वो बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो वाजे होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल एजिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी शुरू हो चुका हुआ होता है। तो जितना जल्दी उसको यानी कि 20+ से या उससे पहले भी अगर स्किन केयर की जाए तो अच्छी बात है। ये दोनों मिनीसो के हैं, और ये वाला भी मिनीसो का ही है, ये भी मिनीसो का ही है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जगह साफ़ होनी चाहिए, मास्क को इसके अंदर से पैकेज के अंदर से निकालना है, उसको अपने चेहरे के ऊपर लगा देना है। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम विच इज़ यूजली 10 to 20 मिनट्स, और उसके बाद अब उसको साफ़ कर दें और उसको उतार दें। सो ये जो है वो हमारे पास है जी फॉर हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ब्रिलियंट जेली टेक्सचर सो स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। सो ये वन टाइम यूजेज के लिए होते हैं, आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये तीन जो थे वो मैंने मिनीसो के लिए थे। एक ही वाइटामिन सी का है, डॉक्टर राशल या उसके आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन सही क्या है। सो ये वाइटामिन सी है जो हाइड्रेट करता है स्किन को, प्रेप्स इट फॉर मेकअप वाइल गिविंग ल्यूमिनस ग्लो। सो ये जो है वो बिफोर मेकअप भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आई गेस बाकी भी किए जा सकते हैं। ये बीच में फोकलोर की क्लेंजिंग शीट है, ये मास्क नहीं है। और एक ये जो है वसीम बादामी का रिंकल फ्री नेचुरली बायो सेलुलोस लाइटनिंग फेस मास्क, ये जो है उनका एक फेस मास्क है। और डब्बा उसका ये काफ़ी बड़ा सारा था, बीच में से मास्क छोटा सा निकला है। मुंह को साफ़ करना है, लगाना है, वेट करना है और उसको निकाल देना है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसके इस्तेमाल का। और नॉर्मली मैं जो प्रेफर करती हूँ चीज़ वो ये है कि जो शीट मास्क हैं वो मैं फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ इन द पैकेज। और उसके बाद उससे होता यह है कि वो काफ़ी मतलब थोड़े बहुत कूल टेम्परेचर पे होते हैं, और उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक तो रिफ़्रेशिंग फीलिंग भी होती है, और वो जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो आपके चेहरे के जो पोर्स वगैरह हैं उनको टाइट करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए रिगार्डिंग कूलिंग इफ़ेक्ट वो भी बेहतर होता है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप इसको पहले रेफ्रिजरेट कर दें नॉर्मल नीचे वाले सेक्शन के अंदर, नॉट फ्रोजन स्टेट, और जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उससे आपको डबल फ़ायदा मिल सकता है दोनों तरह से, कंटेंट जो मटेरियल है और साथ ही साथ इसका जो कूलिंग इफ़ेक्ट है।